बड़ा मीडिया छोटे मीडिया क्या होता है दोस्त, ऐसा नहीं रहता, हम तो रिस्पेक्ट देना। उन्होंने बोलने का तरीका देखा, चले पीछे ऐसा थोड़ी होता है, चले पीछे सची सरक ना, सची हो गया तो सरक जाना। सर आज ये जो फॉर्म, आज जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसके बारे में। हमारे औरंगाबाद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है मराठवाड़े की, उसमें से महाविकास आघाड़ी के तरफ से सतीश चव्हाण जो पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में MLC रहे हैं, उनको फिर एक बार राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से और खासतौर पर महाराष्ट्र विकास महाविकास आघाड़ी की तरफ से उम्मीदवारी दी गई है और मुझे पूरा यकीन है वो यहाँ फिर एक बार चुन के आएगी। सर सरकार बना लेंगे हम बगैर चुनाव के, उस पर आपका क्या कहना है? देखो अभी देवेंद्र फडणवीस और विपक्ष के लोगों को टिकाने के लिए उनके पार्टी ये तो उनको कहने को लगता ही है, वो अगर ये नहीं कहेंगे तो अभी भी बहुत काफ़ी लोग हमारे संपर्क में जो है हमारी पार्टी में आना चाहते हैं, वो कैसे रोकने का, ये उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है और उसी कारण वो बार बार कहते हैं, हर 3 महीने के बाद में वो कहते हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। वैसे 1 साल पूरा होने आया है और मुझे लगता है अगले 4 साल ये वही कहते रहेंगे। एक 2-3 और बड़े दिग्गज नेता हमारे पार्टी में आएंगे तब आने वाले 2-4 महीने में, तब उनका ये कहना बहुत कम हो जाएगा। आपका बाइट लगेंगे मुझे वहाँ पे। देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा कहा, कल इंटरव्यू साहिल जोशी सर ने लिया तो उन्होंने ऐसा कहा है कि महाराष्ट्र की सरकार गिरेगी और हमारे पास अल्टरनेट सरकार है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।